गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा, सह आचार्य इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय भीम। आज हम सेकंड ईयर का सेकंड पेपर, जिसमें हमने अपने पूर्व के लेक्चर में राष्ट्रवाद का उदय का अध्ययन किया था, आज हम संगठित राष्ट्रवाद के उदय में अनेक राजनीतिक संगठन सम्मिलित थे, जिसमें विद्वानों ने कुछ को उदारवादी तथा कुछ को उग्रवादी संगठन बताया है। तो आज हम उदारवादी संगठन क्या थे उसके विषय में अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कांग्रेस के अतिरिक्त और कौन कौन से राजनीतिक संगठन थे ऐसे जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई। भारतीय राष्ट्रीय चेतना को विकसित करने में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1850 ईस्वी के पूर्व जो संस्थाएं स्थापित थीं उनमें कलकत्ता ट्रेड एसोसिएशन 1830 में थी, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स 1834 में थी तथा 1838 में लैंड होल्डर्स सोसाइटी, 1839 ईस्वी में पेट्रियाटिक एसोसिएशन, 1841 में देश हितैषिणी सभा, 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ये सब ऐसे राजनीतिक संगठन थे जो राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी अपनी भूमिका निभा रहे थे। इसके साथ ही 1850 में कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना के लिए जो उद्देश्य थे उस समय, तो इतिहासकार ये मानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना में अंग्रेजों की विशेष रुचि थी, इसलिए यह स्थापना के समय से ही विवादास्पद विषय हो गया। अधिकांश विद्वानों ने यह माना कि कांग्रेस की स्थापना केवल ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के उद्देश्य से ही की जा रही है। इतिहासकार अयोध्या सिंह ने लिखा है कि राष्ट्रीय आंदोलन चौराहे पर आकर खड़ा हो गया है, परिस्थिति का तकाजा था कि वह कृषि क्रांति और राष्ट्रीय मुक्ति युद्ध का रास्ता अपनाए, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका और इटली ने अपनाया था। इसलिए इसे अति आवश्यक समझा गया और आवश्यकता को समझते हुए ही इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ। अब जन्म के पश्चात जो समस्याएं आई, जो उद्देश्य थे जैसे कि साम्राज्य की रक्षा करना, इतिहासकार ए ओ ह्यूम लिखते हैं कि भारत में खतरनाक असंतोष व्याप्त है,
इसलिए उन्होंने कांग्रेस की स्थापना में ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के उद्देश्य से इतनी रुचि ली थी। ये वो ह्यूम अंग्रेज अफसर थे, अंग्रेज अधिकारी थे वो, उन्होंने ही ज़्यादा इसकी रुचि ली थी कि राष्ट्रीय दल बने, कांग्रेस राष्ट्रीय दल बने, जिससे कि हमारे साम्राज्य की रक्षा होती रहे। लेकिन इसमें असंतोष इतना बढ़ गया था कि ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने का एकमात्र रास्ता जो था वो था वैधानिक मार्ग। ह्यूम इसी निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि इस विचारधारा की पुष्टि किसी अन्य भारतीय नेता से हो, जैसे लाला लाजपत राय से विचारों की पुष्टि होती थी। उन्होंने लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य अंग्रेजी साम्राज्य को खतरे से बचाना था। तो अधिकांश इतिहासकार इस बात पे एकमत हैं कि उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मात्र अंग्रेजों की सुरक्षा के लिए की गई थी। इसमें जैसे जैसे इस आंदोलन ने गति पकड़ी, दो विचारधाराएं उत्पन्न हो गईं, उदारवादी और उग्रवादी। 1885 ईस्वी में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो कांग्रेस का इतिहास का अधिकांश हिस्सा जो है वो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का ही इतिहास माना जाता है। कांग्रेस के इतिहास को 1885 से लेकर 1947 तक के इतिहास को हम विभिन्न चरणों में बांट सकते हैं। जैसे प्रथम चरण 1885 से 1919 ईस्वी तक का, द्वितीय चरण इसका रहा है 1920 से 1947 ईस्वी तक का, प्रथम चरण जो है 1885 से 1919 ईस्वी तक का, इसको भी दो भागों में बांटा जा सकता है, 1885 से 1905 ईस्वी तक, जिसे उदारवादी नेतृत्व उस समय सफल हुआ, उन्होंने उदारवादी नेतृत्व ने अपनी अपने प्रयास किए, और 1905 से 1919 तक का ही जो समय है वो उग्रवादी नेतृत्व का माना जाता है। उदारवादी युग क्या था, इस संबंध में विद्वानों के विचार ये हैं कि विचारों की दृष्टि से उदारवाद पाश्चात्य चिंतन की ही देन है। उदारवाद राजनीतिक व्यवस्था को व्यक्तिवाद पर अवस्थित करता है, अर्थात राजनीति व्यवस्था जो है वो व्यक्तिवाद पर आधारित मानी जा सकती है। इतिहासकार लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक लिखते हैं कि आज के उदारवादी कल के उग्रवादी थे, इसी प्रकार से आज के उग्रवादी कल के उदारवादी हो जाएंगे। क्या तात्पर्य है इनका, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का, कि उदारवादी और उग्रवादी दोनों शब्द ये कालवाची
या समयवाची कहे जा सकते हैं, यानी काल या समय परिवर्तित होता है तो इनका स्वरूप बदल जाता है। उदारवादी जो विद्वान रहे, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, लाल मोहन घोष, रास बिहारी, गोपाल कृष्ण गोखले, श्रीनिवास शास्त्री, राणा डे, ये उदारवादी युग के प्रमुख स्तंभ थे। इनके अतिरिक्त तो कुछ उदारवादी अंग्रेज भी थे, जैसे ए ओ ह्यूम, विलियम वेडर बर्न, जॉर्ज यूल, मैकविन, स्मिथ। ये कांग्रेस के सदस्य थे लेकिन उदारवादियों के साथ थे। इन्हीं उदारवादी नेताओं ने 1885 से और 1905 ईस्वी तक का जो कांग्रेस का मार्गदर्शन किया। इसीलिए इस काल को, इस समय को उदारवादी युग के नाम से जाना जाता है। उदारवादी युग की क्या मनोवृत्तियां थीं, क्या उनकी धारणाएं थीं, उस विषय में जानिए। उदारवादी क्या चाहते थे? नंबर एक, उनकी अवधारणाएं क्या थीं? नंबर एक थी उनकी भारत की एकता। उदारवादियों का की मनोवृत्ति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये था कि भारतीयों में एकता की स्थापना हो, ज्ञान हो उन्हें कि एकता क्या होती है। उनका मानना था कि एकता के बिना भारत अपनी महानता को प्राप्त नहीं कर सकता। इतिहासकार सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा था कि एकता के अभाव में भारत अपनी महानता को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हमें सर्वप्रथम पूरे भारत को, संपूर्ण भारत को स्नेह के बंधन में बांधना होगा। दादा भाई नौरोजी ने भी इसी बात पर बल दिया कि विभिन्न धर्मों को मानने वाली जनता में एकता होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। उदारवादी नेताओं के प्रचार के फलस्वरूप भारत के बुद्धिजीवी वर्ग में तो एकता का विकास, एकता की भावना का विकास हुआ, जिसके जिसका परिणाम ये निकला कि विभिन्न धर्म और व्यवसायों में लोग जो थे वो एक झंडे के नीचे, राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे के नीचे एकत्र होने लगे। जो राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा थी उससे जुड़ने लगे। इसे उदारवादियों की एक बड़ी सफलता माना जाता है। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश शासन के प्रति भक्ति भावना, ब्रिटिश शासन चूंकि काफी समय से अंग्रेज शासक के रूप में स्थापित थे, इसलिए उनका, अंग्रेज शासकों का ये मानना था कि हमारी स्वतंत्रता में, हमारे अधिकारों में कमी नहीं होनी चाहिए। इतिहासकार मानते हैं कि कांग्रेस के उदारवादी नेता ब्रिटिश शासन के समर्थक एवं प्रशंसक थे। वे असहयोग या क्रांतिकारी विचारों के विरोध में थे।
उदारवादियों को ब्रिटिश जनतंत्रीय व्यवस्था में असीम आस्था थी। उनका ये मानना था कि ब्रिटिश शासन ने ही भारत को आधुनिक सभ्यता के मार्ग पर प्रशस्त किया है, स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न की है, राष्ट्रीय चेतना को जन्म दिया है और देश की जनता को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया है। इतिहासकार राणा डे लिखते हैं कि भारत में अंग्रेजी शासन भारतीयों को नागरिक एवं सार्वजनिक गतिविधियों का राजनीतिक शिक्षण देने की दृष्टि से उपयोगी सिद्ध हुआ था। राणा डे ने तो अंग्रेजी शासन को दैविक वरदान माना है भारत के लिए। दादाभाई नौरोजी ने भी की भी धारणा थी कि अंग्रेजों का शासन भारत के चहुमुखी विकास के लिए दैविक वरदान का कार्य करेगा। दादा भाई ने तो यहां तक कहा था कि उदारवादियों ने भारतीयों की इंग्लैंड के प्रति वफादारी और उनकी देशभक्ति के बीच गहरा संबंध स्थापित करने में कभी असुविधा महसूस नहीं की। सुरेंद्रनाथ बनर्जी कहते हैं कि ईश्वर भविष्य में हमारी वफादारी को और गहरा करे, हमारी देशभक्ति को प्रोत्साहित करे और ब्रिटिश साम्राज्य के साथ जो हमारे संबंध हैं उनको और मजबूती प्रदान करे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जिन्हें सिविल सर्विस से निकाल दिया था, लेकिन उदारवादी नेता के संपर्क में आने की उदारवादी विचारधारा स्वयं की होने के कारण वह ब्रिटिश शासन के प्रति भक्ति भावना रखते थे। इसके अतिरिक्त उदारवादी नेताओं का ये मानना था, क्योंकि वो रूढ़िवादी थे और देश की शासन व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तनों के विरोधी माने जाते थे, उनका कहना था कि भारत में सुधार कार्य एक साथ संभव नहीं है, इसलिए सुधार धीरे धीरे होने चाहिए, अर्थात क्रमिक सुधारों की उन्होंने क्रमिक सुधारों में उन्होंने विश्वास जताया। इस संदर्भ में विद्वान आरजी प्रधान ने लिखा है कि कांग्रेस के प्रारंभिक दिनों के प्रस्तावों से पता चलता है कि उनकी मांगें अत्यंत साधारण थीं। कांग्रेस के नेता आदर्शवादी नहीं थे, वह व्यवहारिक सुधारक थे तथा आज़ादी क्रमशः कदम कदम करके हासिल करना चाहते थे। फिरोज शाह जैसे नेता ने लिखा है कि अंग्रेजों के संरक्षण में भारत की राजनीतिक शिक्षण का मार्ग ढूंढ रहे थे और उनका विश्वास था कि किसी दिन स्वयं अंग्रेज भारत की राष्ट्रीय मांगों को स्वीकार कर लेंगे। ये उदारवादियों की जो व्यवस्था थी, उनका जो मानना था कि किसी भी कार्य को करने के लिए वैधानिक रास्ते अपनाने चाहिए, वैधानिक जिसमें हिंसा का सहारा न लेना पड़े,
विवेक से स्वयं का विवेक, विचारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए, सहिष्णुता की नीति होनी चाहिए, सभी को समान अधिकार होने चाहिए, समानता का अधिकार होना चाहिए सभी को। भारत में विभिन्न प्रकार के समुदाय एवं विभिन्न प्रकार की जातियां निवास करती हैं, इनमें समानता होनी चाहिए। इसके साथ ही वैधानिक तरीके से प्रगति में विश्वास होना चाहिए। क्योंकि उदारवादी नेताओं को अंग्रेजों की न्यायप्रियता पसंद थी, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी सरकार के साथ कभी संघर्ष करने की बात नहीं की। उनका विश्वास ये था कि हिंसात्मक एवं क्रांतिकारी उपाय तो उनके मस्तिष्क में आने ही नहीं चाहिए, इसीलिए उन्होंने प्रार्थनाओं, प्रार्थना पत्रों, याचिकाओं, स्मरण पत्रों और प्रतिनिधि मंडलों के द्वारा सरकार से अपनी न्यायोचित मांगों को मानने का आग्रह किया। अनेक विद्वानों का मानना यह है कि इस समय कांग्रेस की नीति प्रार्थना करने की थी, अपनी मांगों के लिए संघर्ष करने की नहीं। इस नीति को कुछ विद्वानों ने राजनीतिक भिक्षावृत्ति के नाम से भी संबोधित किया है। अब उदारवादियों की मांगों के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे कि उदारवादियों की क्या मांगे थीं। कांग्रेस ने अपने वार्षिक अधिवेशन में विभिन्न विषयों से संबंधित प्रस्ताव पास किए थे और अंग्रेजी सरकार का ध्यान उन विषयों की ओर आकर्षित किया तथा प्रशासन में सुधार करने की विशेष मांग की। वो क्या थी? जैसे राजनीतिक मांगे, प्रारंभ में राष्ट्रवादी नेताओं ने सरकार के समक्ष जो कुछ भी मांगे, राजनीतिक मांगे थीं, वो श्रेणी अनुसार रखी। श्रेणी जैसे प्रशासन व्यवस्था में भारतीयों की अधिक से अधिक भागीदारी, वैधानिक परिषद जो थी उनमें सुधार, केंद्र और प्रांत की जो काउंसिल थी उनका विस्तार और उन काउंसिल में जो सरकारी सदस्यों की संख्या थी उनमें कमी थी, उनमें वृद्धि करना जिससे कि भारतीय शासन स्थापित हो सके। तो ये तो थी प्रशासनिक व्यवस्था और इसके अलावा है कार्यपालिका और न्यायपालिका की व्यवस्था।
कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग किया जाए तथा इनके मुकदमों की सुनवाई में जूरी प्रथा को मान्यता दी जाए, जूरी प्रथा स्थापित हो। तीसरा, वित्तीय व्यवस्था इस प्रकार की हो जिससे कर देने वाले को बोझ नहीं लगे। जो कर देता है, टैक्स देता है, वो आराम से दे सके। अंग्रेजी साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार का खर्च केवल भारत पर ही न डाला जाए, सैनिक खर्च में कमी की जाए, भू राजस्व, कृषि पर जो राजस्व लगता था, जमीन पर जो राजस्व लगता था, उसको कम किया जाए, किसानों की स्थिति सुधारने के लिए भू राजस्व की दर स्थायी रूप से निर्धारित कर दी जाए और लगभग इसे 30 वर्षों तक नहीं बढ़ाया जाए। फोर्थ है, भारतीय जनता की दशा सुधारने के लिए उचित कदम उठाए जाएं, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा का विस्तार किया जाए, औद्योगिक एवं तकनीकी शिक्षा की सुविधा दी जाए, सफाई में सुधार के लिए और अधिक अनुदान दिया जाए।